नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन का हमारा जो टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यहां पे समझेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। समझते हैं क्या है सपोर्ट और क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको देखने मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जिसके सहारे हम समझेंगे सपोर्ट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो यहाँ पे एक ग्राफ जो है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है, इसमें ये शेयर प्राइस में चढ़ाव उतार आपको देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ नीचे का जो लाइन है वो सपोर्ट लाइन करके काम करेगा और ऊपर का लाइन जो है रेजिस्टेंस लाइन करके काम करेगा। ऐसा क्यों? तो पहले हम सपोर्ट को समझते हैं कि सपोर्ट क्या लेकर के चलना है। तो जो भी हमारा ग्राफ है उसके अंदर आप देखेंगे जो प्राइस में गिरावट है ना, गिरावट है, वो करंट प्राइस से ज़्यादा गिरावट है ना। तो बॉटम पे करंट प्राइस के नीचे जो है सपोर्ट बनता है, करंट प्राइस के नीचे जो है सपोर्ट बनता है। अब सपोर्ट बनने के लिए हमें ऐसे पॉइंट चुनने होते हैं। ये हिस्टोरिकल ग्राफ है, ये हमारा करंट का प्राइस चल रहा है, इसके पहले वाला हम ग्राफ देखते हैं ना, इसका थोड़ा सा पीछे वाला भी पार्ट देखना होता है तभी हम आगे का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका पहला वाला ये ग्राफ है जो मार्केट में हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको हम ध्यान में रख के एक्सट्रीम लोवेस्ट पॉइंट को हमने चुनना है। एक्सट्रीम लोवेस्ट, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम लोवेस्ट दिख रहे पॉइंट आपको, ये वाला ये एक्सट्रीम लोवेस्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर है, ये एक्सट्रीम लोवेस्ट। तो ऐसे कम से कम तीन पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तीन के ऊपर चलेगा कितना भी पॉइंट। तो उनको ध्यान में रख करके हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, एक्सट्रीम लोवेस्ट पॉइंट पे हम ये लाइन खींच रहे हैं, जो लाइन हमारे लिए सपोर्ट करके काम करेगी, इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। अब इस प्राइस पर क्या होता है, सपोर्ट लाइन के नीचे प्राइस नीचे नहीं जाता है, सपोर्ट लाइन के नीचे प्राइस नहीं जाता है। जब भी हमारा प्राइस नीचे गिर के सपोर्ट को टच होता है, फिर से यहाँ रिवर्स होकर के ये मार्केट में अप ट्रेंड दिखाएगा, फिर डाउन ट्रेंड दिखाएगा, फिर सपोर्ट लाइन के ऊपर जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड, फिर सपोर्ट लाइन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सपोर्ट लाइन है, जिसको हमने मान के चलना है कि सपोर्ट लाइन से नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। तो इस सपोर्ट लाइन पर ऐसा क्यों होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से एकदम से अप ट्रेंड में क्यों चला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो है खरीदारी यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, बाइंग जो है सेलिंग के ऊपर रहता है, यहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है। ठीक है, सपोर्ट पे जो है सबसे लोवेस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक का जो भीड़ है बनते जाता है। कौन सा पब्लिक बढ़ेगा यहाँ पे? खरीदारी करने वाला लोग बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस गिर चुका है, सस्ता हो चुका है मार्केट, तो सभी लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए भीड़ करेंगे। और जैसे खरीदारी करने के लिए भीड़ करेंगे, अपने आप शेयर का जो डिमांड है वो बढ़ने लगेगा दोस्तों। अब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ने लगा है, जितना माल नहीं है उतने की मांग यहाँ पे बढ़ चुकी है दोस्तों। तो डिमांड बढ़ने की वजह से उस शेयर का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना। तो बाइंग बढ़ी, भीड़ बढ़ी, भीड़ कौन सी बढ़ी? बाय करने वाले लोगों की भीड़ बढ़ी, तो सभी यहाँ पे शेयर्स खत्म होने को आ रहे थे। तो डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में अप ट्रेंड दिखेगा, मार्केट चढ़ने लगेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, सभी लोग खरीदारी कर रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो अपने आप प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ के अप ट्रेंड में चला जा रहा है दोस्तों, है ना। तो यही है सपोर्ट लाइन का यहाँ पे मतलब, कि यहाँ पे खरीदारी करने वाले लोगों का भीड़ बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है, इसके लिए सप्लाई जो है कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस में अपने आप अप ट्रेंड दिखने लगता है, और यहाँ पर जाने के बाद हम उसे सेल करके हमारा प्रॉफिट कमा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा हम आशंका लेकर के चलते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे आगे रिपीट होती है। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन हमें देखना है कि भीड़ बढ़ी है कि नहीं। खरीदारी करने वालों का भीड़ बढ़ता है तभी डिमांड बढ़ता है और तभी प्राइस अप ट्रेंड में जाने लगता है। तो जैसे ही आपको दिखे यहाँ पे भीड़ बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, तभी आप लोगों ने खरीदारी करना है दोस्तों। ठीक है, आप रिस्क लोगे तो भीड़ होने से पहले ही आप यहाँ पे खरीदारी कर लोगे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक दिन बाद आप खरीदी करिएगा, जब मार्केट में आपको अप ट्रेंड दिखे, यहाँ पे भीड़ दिखे, खरीदी करने वालों का डिमांड बढ़ जाए, तभी आप लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करना है, बाइंग करना है, क्योंकि बाद में जब ये अबो चला जाएगा अप ट्रेंड में, तब आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट कर लें। ये तो हो गया सपोर्ट लाइन। अब समझते हैं रेजिस्टेंस लाइन को।
सेम एज इट इज, सपोर्ट लाइन जैसे नीचे की तरफ होता है वैसा ही रेजिस्टेंस लाइन ऊपर की तरफ होता है। जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें हमें क्या करना है, अप ट्रेंड में जो एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है आपको, तो तीन या तीन से ज़्यादा होने पॉइंट चाहिए, कम से कम तीन तो चाहिए। तो ये तीन पॉइंट को हमने ध्यान में रख करके इसको लाइन खींचा, तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। अब ये रेजिस्टेंस लाइंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ तक बढ़ेगा, इसके ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ तक तो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा हिस्ट्रिकल पैटर्न ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस लाइन जो है वो हाईएस्ट प्राइस में बढ़ने वाला चांस है। अगर नॉर्मल मार्केट चल रहा है तो रेजिस्टेंस तक मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आपने यहाँ पे खरीदी किया है तो आपका काम होता है जब रेजिस्टेंस लाइंस के पास जाए तो उसे बेच देना, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाता है ये, तो यहाँ पे बेचने वालों का जो है संख्या जो है गर्दी भीड़ जो है वो बढ़ जाती है, सेल करने वाले लोगों की यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है रेजिस्टेंस पे, उनको पता है इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ने वाला, मेरे को बेचना है, तो सब लोग यहाँ पे भीड़ करेंगे बेचने के लिए। अब सब लोग बेच रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड तो किसी को चाहिए ही नहीं, सब बेचना चाहते, तो सप्लाई बढ़ गया है और डिमांड जो है वो कम हो चुका है। अब सप्लाई बढ़ा है और डिमांड कम हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, प्राइस में गिरावट आने लगती है, किसी को चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, सभी सेल कर रहे, तो ये प्राइस में गिरावट आपको दिखेगा, तो आपने यहाँ पे सेल कर देना है। जैसे ही भीड़ बढ़ रहा है यहाँ पे सेल करने वाले लोगों का, तो आपने भी यहाँ पे बिना रिस्क लिए बेच देना है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे बेच दोगे, लेकिन भीड़ को देख के चलना है कि भीड़ भी बेच रहा है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है, तो आपने भी वो शेयर को रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो गिरने वाला है, तो आपने यहाँ पे बेच देना है और आपका प्रॉफिट यहाँ पे बना लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरता है फिर ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जब देखिए सपोर्ट के पास आप इसे खरीदी कर रहे हो और रेजिस्टेंस के पास इसे बेच रहे हो, तो ये लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। और अगर आप उल्टा करोगे, देखो रेजिस्टेंस पे अगर आप शेयर के साथ कुछ करना चाहते हो तो बेचना है, तो अगर आप पहले बेचते हो और बाद में इसे लोअर होने के बाद में खरीदते हो, तो ये शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में सीखा है लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, तो आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जब जाते हो तो आप लॉन्ग पोजीशन बना के खेल सकते हो, कि पहले लोवेस्ट प्राइस पे इसे खरीदी करो और हाईएस्ट प्राइस पे इसे बेच दो रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। या फिर उल्टा करो, रेजिस्टेंस पे आप इसे बेच दो और सपोर्ट पे इसे फिर से खरीदी कर लो, फिर से बाय कर लो, तो ये वाला आपका शॉर्ट पोजिशन बन जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो आप इतना समझ लो, रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर क्या है, सप्लाई बढ़ता है डिमांड कम होता है, इसलिए बेचने वालों का भीड़ जो है बढ़ जाता है दोस्तों और प्राइस में गिरावट आती है। और सपोर्ट लाइन के यहाँ पर क्या होता है, खरीदारी करने वालों का भीड़ बढ़ता है, वो लोग खरीदी करता है, इसके लिए डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम हो जाता है। किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो, तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ता है दोस्तों। अगर सभी लोगों को ब्रेजा गाड़ी खरीदनी हो, सभी लोगों को ऑडी गाड़ी खरीदनी हो, तो वो ऑडी गाड़ी का प्राइस जो है अपने आप बढ़ने लगता है, और मार्केट में सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ते रहता है दोस्तों। ऐसा ही होता है शेयर मार्केट के साथ में। तो ये रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन आप यहाँ पे समझ चुके होंगे दोस्तों, और इसी को मैं एक जोन के सहारे भी यहाँ पे आपको मैं डिस्कस कर दूँ। जोन के सहारे कैसे, देखिए यहाँ पे जब हमने अभी सीखा था रेक्टेंगल लाइन, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन सीखा था और सपोर्ट लाइन सीखा था, तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल जोन से ये सपोर्ट जोन होगा और ये होगा रेजिस्टेंस जोन होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन, और ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है तो इसे रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड में रेक्टेंगल वाला है, ये यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस लिखना था, तो ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है, बस चीज़ वही है, यहाँ पे सिर्फ इसको टच करके ये लाइन वापस आ जाती है, फिर से नीचे भी टच करेगी तो ऊपर चढ़ेगी, तो सपोर्ट पे मार्केट चढ़ना है ना, बुलिश मार्केट हो जाता है सपोर्ट के पास से, और रेजिस्टेंस के पास से फिर से बियरिश हो जाता है, नीचे गिरने लगता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 पॉइंट आपको मिल चुके हैं एक्सट्रीम लोवेस्ट पॉइंट पे, उनको जोड़ देना है, ये ब्रैकेट जैसा बना लेना है, रेक्टेंगल जैसे बना लेना है, तो ये आपका सपोर्ट जोन करके काम करेगा, ठीक है। इस जोन में जब आता है प्राइस तो वो सबसे लोवेस्ट प्राइस होता है, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, तो खरीदारी करने की लोगों की यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, तो डिमांड जो है अपने आप बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, यानी आप प्राइस चढ़ेगा, आपने यहाँ पर खरीदी करना है दोस्तों, ठीक है। भीड़ बढ़ रहा है,
बाइंग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, तो आपका भी काम है कि आप भी कुछ शेयर खरीदी कर लो और जब रेजिस्टेंस प्राइस के आसपास जाने लगे तो उसे बेच देना है आपको, ठीक है। अब इसके अपोजिट में रेजिस्टेंस जोन को देख लो, 1, 2 और ये 3, जैसे इनको पकड़ के यहाँ पे आपने ये रेक्टेंगल जोन बना देना है, ये रेजिस्टेंस जोन करके काम करेगा। यहाँ पे जो है लोग बेचना शुरू कर देते हैं, जो भी शेयर उनके पास है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं और बेचने की वजह से यहाँ पे जो है सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सभी ने बेच दिया तो सप्लाई बहुत है, डिमांड तो कम है, किसी को चाहिए नहीं, डिमांड कम हो गई तो डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गया तो उसका प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, मार्केट में बियरिश पैटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ सपोर्ट पे खरीदी करना है, रेजिस्टेंस पे बेच देना है और अपना प्रॉफिट कर लेना है लॉन्ग पोजीशन बना के, और या फिर रेजिस्टेंस पे आपने बेच देना है फिर जोन पे आके खरीदी करना है, इस तरीके से आपने शॉर्ट पोजीशन में अपना प्रॉफिट बना लेना है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है वो देख लिया है। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत पोटेंशियल होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस को जब लाइन टच करता है ये पैटर्न, तो ये आगे बढ़ भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे तो आ ही रहा है पर ये बढ़ भी सकता है और ज़्यादा, या फिर सपोर्ट में ये ऊपर जाने की वजह से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आपको थोड़ी देर रुकना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, जैसे 1-2 कैंडलस्टिक बन जाएगा फिर आपने खरीदी करना है, तो आपको समझ में आएगा ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, या फिर रेजिस्टेंस पे आने के बाद आपने थोड़ा 1-2 दिन रुकना है, अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो आपने यहाँ पे आपके शेयर बेच देना है क्योंकि मार्केट डिक्रीज हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो फिर आगे और आपको सपोर्ट लगाना होता है, सपोर्ट थोड़ा ऊपर आएगा बाद में, ठीक है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आप अभी इतना ही समझ लो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। और ये वाला जो हमने देखा हॉरिजेंटल टाइप में बना है, ये सपोर्ट जोन हॉरिजेंटल है, रेजिस्टेंस जोन हॉरिजेंटल में है, तो इसलिए ये हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। इसका राइजिंग वाला भी होता है, फॉलिंग वाला रेजिस्टेंस होता है, राइजिंग वाला सपोर्ट, फॉलिंग वाला सपोर्ट, राइजिंग वाला रेजिस्टेंस, फॉलिंग वाला रेजिस्टेंस, तो उसे हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो फिलहाल मैं आशा करता हूँ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को समझ चुके होंगे, सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, बाइंग कैसे बढ़ती है, सेलिंग कैसे बढ़ती है वो आपने देखा होगा, सपोर्ट लाइन पे खरीदारी करने वाले लोगों का भीड़ बढ़ता है इसके लिए वहां पे जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग करने वाले लोगों का भीड़ बन जाता है इसके लिए वहां पे सप्लाई बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए प्राइस में गिरावट आती है रेजिस्टेंस लाइन से, और सपोर्ट लाइन पे वो बुलिश बन जाता है, रेजिस्टेंस लाइन पे वो बियरिश बन जाता है, तो ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे और आपको वीडियो देखने के बाद मजा भी आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको वीडियो देखने का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।